बैठा हूँ वो लेंगे वो चुपचाप बैठी चली गई। देखो मैंने समझ लिया इसका मतलब, हमें लग रहा है भाई ग्वाल हमारा गोपियों को चीर को चुराने वाला आज मेरी बहन रुक्मणी को ले गया, भाग पड़ा है रुकम, आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने रुक्मणी का हरण किया है। कन्हैया से कह रहे हैं हमारे तुम्हारे बीच में युद्ध होगा, युद्ध जीत जाओगे तो मेरे बहनों ही कहलाओगे, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। भगवान कन्हैया जा रहे रुक्मणी के साथ में, हुआ क्या रुक्मणी ने जैसे ही अपने भैया को आता हुआ देखा, भगवान से हाथ जोड़े, प्रभु मेरे भैया को मारना नहीं, भैया तुमसे युद्ध करने आ रहा है, क्योंकि अगर भैया मर गया ना तो साथ वाली सहेलियां हमें जीने नहीं देंगी, तूने एक पति के पीछे अपने भैया को भी मरवा दिया है। क्या होता है भाई बहन का प्रेम, रुक्मणी ने कहा है मेरे भैया को मारना नहीं, क्योंकि भैया मर गया तो हर वक्त समय समय पर हमें अपने भाई की याद आती रहेगी प्रभु। आलोक भैया की मौसी नंगला नवल से, पर ये रवि भैया के मामा की बिटिया ने सम्मान किया है बाहर से भगवान सुख शांति।